एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसमें 7 स्टेप्स हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें फर्स्ट स्टेप की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो इस वीडियो में मैं 7 के 7 स्टेप्स जो है आपको समझाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। किसी भी तरह की जैसे आपको डिफिकल्टी आती है फोटो अपलोड करने की, उसको रीसाइज करने की, वो सभी बातें इसमें करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो डिटेल में, ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, तो एडमिशन कैसे करनी है, ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से, पहला स्टेप जो है स्टार्ट करने से पहले, पहले से आपने जिस बात का ध्यान रखना है, अपनी डायरी जहां पर नोट करना है खोल के रख लीजिए, बड़ी बात लगती है अभी आपको। क्या रिक्वायरमेंट्स है पहले से, एक तो पासवर्ड आप रख लीजिए, कोई भी पासवर्ड, वो क्या उसके फीचर होने चाहिए। पासवर्ड जब आपने रखना है तो ये कंडीशंस है जो यूनिवर्सिटी ने रखी है, मिनिमम 5 कंडीशंस है। सबसे पहले 8 कैरेक्टर्स चाहिए, मिनिमम है, मिनिमम। ठीक, 8 कैरेक्टर से ज्यादा रख सकते हो, मतलब कम नहीं रख सकते। उनमें 8 या उसमें ज्यादा जो कैरेक्टर रखे हैं, एटलीस्ट 1 अपर केस, कम से कम 1 अपर केस होना चाहिए। अपर केस कौन सा है, कोई भी जो आप नाम रखे हो, रख रहे हो, उसका एक कैपिटल लेटर रख लीजिए। जैसे यहां पर यू है, यहां पर सी अपर केस है, मतलब कैपिटल लेटर। ठीक, यहां पर ए है। ठीक, मिनिमम 1 हो, 1 से ज्यादा भी रख सकते हो, और मिनिमम 1 लोअर केस। ठीक, लोअर केस इनमें से कौन सा है, ये जो छोटे स्मॉल लेटर है, ये एच ए बी ई टी, ये मिनिमम 1। और एक नंबर हो उसमें, कम से कम नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ रख सकते हो, कोई आपका लकी नंबर लगता है वो रख सकते हो, कोई रिलीजियस, कोई भी आप नंबर रख सकते हो। ठीक, तो एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, और आप उनमें से चूज कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने सेम ही बताए हैं। ये सारे स्पेशल करेक्टर हैं, कोई भी आप इनमें से चुन सकते हो, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, एंड है, स्टार है, ब्रैकेट, कितनी तरह के ब्रैकेट हैं, अर्थमेटिक साइंस हैं कितने, कोई भी इसमें से आप चूज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, और ओटीपी जनरेट होना है किस पर, ईमेल एड्रेस पर, और ईमेल एड्रेस आपका पर्सनल हो तो बेटर है, अपने मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर का मत यूज कीजिए। ये नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है वो तैयार रखिए, नहीं तो जब तक ये वीडियो देखते हो ईमेल एड्रेस अपना जरूर बनाइए, क्योंकि बीएड जब करनी है तब भी बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा आपका मोबाइल नंबर, तो ये चीजें आपने पहले से तैयार रखनी है। फॉर एग्जांपल आपको ओटीपी जनरेट होता है तो 60 सेकंड सिर्फ मिलेंगे, 60 सेकंड में आपने ओटीपी को रीड करके अपने मोबाइल से फॉर्म पर फिल करना है। इसलिए मैंने पहले यहां पर ये लैपटॉप रख लिया है और मोबाइल रख लिया है कि इवन मैंने जो एसएमएस है वो खोल के रख लिया है कि मेरे 60 सेकंड से पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लूं। उसके बाद अब देखते हैं वेब पेज वो खोलना है एडमिशन वाला। सबसे पहले मैं गूगल पर गया और मैंने पंजाब मैंने क्या फिल किया, पंजाब बीएड एडमिशंस .org इतनी फिल करने के बाद फिल किया, क्लिक किया, ये वेब पेज मेरे सामने आ गया। और फर्स्ट पेज स्टेप क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, यहाँ पर ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, इसको क्लिक किया और मेरी इंफॉर्मेशन जो है फिल करनी है मैंने सबसे पहले, वो डिस्प्ले हो गई। तो ये थोड़ा बढ़ कर लेते हैं इसको। हाँ, ये स्टार है, जरूरी है कि मैंडेटरी जहां पर स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी हर हालत में कंपल्सरी है। तो कैंडिडेट नेम यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा और अपना नाम, आप जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है। देखिए, जिन लड़कियों की मैरिज हो चुकी है वो जनरली पूछते हैं कि नया नाम या पुराना नाम, जो सर्टिफिकेट में है वो नाम आपका
चलेगा, वो नाम आप फिल करोगे यहाँ पर, फादर्स नेम यहाँ क्लिक करोगे, फादर्स नेम फिल करोगे, यहाँ क्लिक करोगे मदर्स नेम, जो सर्टिफिकेट में है स्पेलिंग वगैरह का ध्यान यहीं से रखना पड़ेगा। जेंडर क्या होगा ये वो आप क्लिक कर दोगे, ठीक। नोट, कैंडिडेट इज एडवाइज टू फिल हिज और हर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड द सेम इज टू यूज फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंट। सो ये है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है, डेट ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करोगे मंथ और यहाँ सिलेक्ट करोगे ईयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, याद रखना है वो मोबाइल नंबर आपका पर्सनल हो और उसको आपने अपने पास तैयार रखना है, क्योंकि इसी पर जब आपने मोबाइल नंबर फिल कर दिया यहाँ पर क्लिक किया साथ में ही ओटीपी आ जाएगा, ठीक। तो ये क्लिक किया और इसके बाद ओटीपी आ गया, मान लीजिए क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर नहीं फिल किया है ये नहीं आएगा, इवन ये 60 सेकंड में आपको मोबाइल नंबर जो ओटीपी आता है वन टाइम पासवर्ड वो फिल करना है। तो उसके बाद कंफर्म करोगे आप मोबाइल ओटीपी जो है वो दोबारा यहां पर फिल करोगे। इसके बाद आप ईमेल अपना एड्रेस जो आप अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस समझते हो वो यहां पर फिल करोगे, ठीक। उसके बाद आप सेंड पर क्लिक करोगे और ईमेल जो आपने लैपटॉप या अपना जहां भी ईमेल खोल के रखा है यहां पर ओटीपी आएगा, उसको यहां पर फिर फिल कर देना है, कंफर्म हो जाना है, ठीक। तो पासवर्ड जो आपने पहले मैंने कहा था, पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आप सबमिट करोगे तो ये आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सेकंड ये वीडियो है जो सेकंड स्टेप की बात करेंगे कि कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले आप अपने एंटर करेंगे पंजाब, ऑलरेडी आपको पता है पंजाब BEdAdmissions.org, ठीक है, ये वेब पेज खुल गया है एडमिशन के रिलेटेड। और सेकंड स्टेप है लॉगिन करना और आप यहां जाएंगे, ये रहा कैंडिडेट लॉगिन, इसको क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी जो ईमेल और पासवर्ड आपने रखा था वो आपको दोबारा चाहिए, मैंने पहले भी कहा था उसको सेव करके रखना है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी के सामने यहाँ क्लिक करोगे तो आपने जो अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवाया है वो यहाँ पर फिल करोगे और उसके बाद जो पासवर्ड रखा था वो एंटर यहाँ करोगे और उसके बाद फिल कैप्टचा, ये जो कोड होगा एग्जैक्ट यही कोड आप यहाँ फिल करोगे। तो उसके बाद यहाँ जो ग्रीन बटन है लॉगिन का उसको प्रेस कर दोगे तो आपसे आपका फॉर्म फिल से खुल जाएगा, लॉगिन हो जाए। लॉगिन क्लिक होने के बाद अगर आप अपना पासवर्ड सेव रखना चाहते हो कि आप ईमेल फिल करते हो और पासवर्ड दोबारा फिल ना करना पड़े, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो नेवर को कर दीजिए, मैंने ये सेव कर लिया है। अब कैंडिडेट डैशबोर्ड खुल गया है, यहाँ पर मेरा नाम जो मैंने रजिस्टर किया था, मेरा नाम जो मैंने रजिस्टर किया था फादर्स नेम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। तो नेक्स्ट है प्रोसीड टू अपलोड फोटो, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको अपनी फोटो क्लिक करनी होगी। ये बहुत ही एक तरह से नॉर्मल जो लर्नर है कैंडिडेट है यहाँ घबरा जाते हैं, तो डरते हो रहे इसके कारण वो कैफे वाले के पास जाते हैं, लेकिन आप लर्निंग टीचर बनना है, लर्निंग अभी से शुरू कीजिए। यहाँ पर क्या है कि आपकी इमेज फाइल जेपीजी ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, जेपीईजी पीएनजी इस फॉर्मेट में चाहिए। दूसरा डायमेंशन ऑफ इमेज मस्ट बी मैक्सिमम 300 विड्थ और 300 हाइट पिक्सल्स हो। साइज ऑफ इमेज फाइल मस्ट बी मैक्सिमम 200 KB हो, ठीक है। ऐसे ही आपके सिग्नेचर होंगे सेम, उसकी सिग्नेचर के डायमेंशन इससे भी कम होंगे, विड्थ जो है आपके 300 है और 90 हाइट पिक्सल होगी और साइज ऑफ सिग्नेचर मस्ट बी 200 KB। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ
ये कैसे तैयार करनी है अभी आपको बताता हूँ। ये सिर्फ सिग्नेचर जो है 90 इससे कम चाहिए, यहाँ 300 है, ये याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फोटो आपने कैसे इस साइज की तैयार करनी है, बहुत इजी है। तो सिंपल, सभी के पास मोबाइल है, आप मोबाइल पर हर कोई अपनी फोटो खींच सकते, सबके पास है, आप फोन का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी सबसे पहले फोटो लेंगे, जैसे तरुण मेरे साथ है तो मेरी फोटो ले रहे हैं, ओके। फोटो लेके ये मैं मेरे फोन से ही अपनी ईमेल पर इसको मेल सेंड कर दूंगा। दूसरी तरुण, दूसरा हमें चाहिए कि सिग्नेचर, मान लीजिए रख लेते हैं, मान लीजिए कि सिग्नेचर ये हो गए, सिग्नेचर की भी फोटो ले ली। हमें दो फोटो चाहिए, एक आपकी इमेज चाहिए और सिग्नेचर की। आप किसी पेज पर फोटो अपने सिग्नेचर करके उसकी फोटो क्लिक कर सकते हो। होगा ये कि वो साइज नॉर्मली जो साइज चाहिए, पिक्सल चाहिए, उससे बड़ा होगा। उसको रीसाइज कैसे करना है, तरुण अभी वो ईमेल पर सेंड कर देंगे। ये रहा ईमेल और ये ईमेल आ गई। फर्स्ट इसको ओपन करेंगे, ओके। ये मेरी इमेज और ये रही सिग्नेचर की, इसको मैंने डाउनलोड किया, ठीक, और सिग्नेचर को डाउनलोड किया, ठीक। डाउनलोड करने के बाद यहां पर पड़ी है, मैंने देख लिया मैंने कहां रखी हुई है, शो इन फोल्डर के। अब इस फोटो को आपके लैपटॉप पर आ गई है, तो आप इसको रीसाइज कैसे करोगे, ये गूगल पर जाओगे, आप गूगल पर फिर करोगे कि फोटो रीसाइजर, फोटो रीसाइजर में रीसाइज इमेज ऑनलाइन रिड्यूस जेपीजी, ये आपको डिस्प्ले सबसे पहले जो होता है उसको क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद सेलेक्ट इमेज, मेरी इमेज कहां पड़ी है, मैंने देख लिया है कि मेरी इमेज पड़ी है डाउनलोड में पड़ी है। इमेज डाउनलोड में मैंने ये क्लिक किया कि ये वाली फोटो करनी है, ये इमेज को क्लिक किया। इमेज को क्लिक करने के बाद इमेज का कलर चेंज हो गया, यहाँ ओपन पर क्लिक किया और ये ओपन करने के बाद मेरी फोटो रीसाइज एंड इमेज में आ गई। अच्छा, आप पहले ये साइज देख लीजिए कितना है, ये 2448 और इसकी 3264 और 1.6 MB है, तो ये बहुत बड़ा साइज है। हमें कितना साइज चाहिए, इमेज हमें कितनी रिकमेंडेड है जेपीजी के फॉर्मेट में, 300 विड्थ और 300 हाइट, ठीक है, 200 KB। अब 300 यहां जाएंगे फिर रीसाइजर में, तो ये इतनी बड़ी है, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। यहां पर जाके आप यहां परसेंटेज है, कितने परसेंट रिड्यूस करना चाहते हो वो देख लीजिए। जहां आपके लिए आसान है पिक्सल आप फिल कर सकते हो, यहां पर पिक्सल फिल करने हैं, यहां से ऑप्शन है परसेंट की और पिक्सल की, ओके। मैंने पिक्सल सिलेक्ट कर लिए क्योंकि हमारे पिक्सल पूछे गए हैं, पिक्सल मैंने रिड्यूस करके ये कर दिए, 300 है वहां पर, यहां पर मैंने 200 फिल करिए। आप जितने चाहोगे उतने आप फिल कर सकते हो, ये 200, ठीक है, विड्थ 200 हो गई और हाइट 267 हो गई। तो इसके मुताबिक आप यहां पर रीसाइज इमेज को क्लिक करोगे तो ये इमेज जो है रीसाइज होके मेरे पास आ गई है। कितने केबी की है, 12.7 KB की है। हमें कितने की चाहिए थी, कितने से कम चाहिए थी, 200 से कम, 200 KB से कम चाहिए थी, वो हो गई है। यहाँ पर फिर आप डाउनलोड कर सकते हो इमेज को, डाउनलोड करके आप देख सकते हो शो इन फोल्डर, आप उस फोल्डर में गए, ये इमेज है, इस इमेज को यहाँ आ भी गया कि 13 KB है, राउंड करके बताया उन्होंने। राइट क्लिक करोगे तो वहां पर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, प्रॉपर्टीज में आप उसका साइज देख सकते हो, लेकिन मेरे बोर्ड पर डायरेक्ट साइज यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो गया है, पहले भी देख चुके हैं आप, वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 200 जो मैंने फिल किया था, ओके, और उसकी दूसरी विड्थ जो डायमेंशन है हाइट वो है 267 पिक्सल और साइज कितने हैं, यहाँ 12.8 KB है।
तो मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे काफी छोटी मैंने इमेज कर ली है। इस तरह आप घबराइए मत, इस ऑनलाइन रिसाइजर फोटो पर जाकर आप इमेज को ऐसे छोटा कर सकते हो। ऐसे ही आप सिग्नेचर को छोटा करना है, याद रखना है कि सिग्नेचर का साइज में क्या बताया गया है। दोबारा जाएंगे सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट इमेज में जाके डाउनलोड पर मेरी इमेज कहाँ पड़ी है जो सिग्नेचर वाली है, ये रही ओके ये रही टी एस ओके। इसके बाद मैंने सिलेक्ट इमेज की, फिर वही प्रोसीजर बता रहा हूं आपको। सॉरी ये इमेज सिलेक्ट की, यहाँ ओपन पर क्लिक किया तो ये मेरे सिग्नेचर आ गए। अब सिग्नेचर के बाद मैंने रिसाइज करना है, मुझे वो कितनी चाहिए, डायमेंशन कितनी चाहिए देख लेना है। डायमेंशन के लिए मैं जाऊंगा यहाँ, इसके लिए विड्थ जो है वो 300 है लेकिन हाइट जो है बहुत कम है, 90 है ठीक, 200 KB है। तो वापस रीसाइज इमेज पर जाके यहाँ पर हाइट जो मुझे है 90 चाहिए, ये मैं फिल करने लगा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और मैंने 90 से भी कम रख ली क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। मैं रख रहा हूँ 88, मैंने 88 हाइट रख ली है और 88 के मुताबिक विड्थ जो है 117 आ गई है। रीसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज रीसाइज होके आके सामने आ गई है और इसका साइज पूरा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, विद इन लिमिट है। डाउनलोड इमेज हो गया, यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद इस एरो को क्लिक करोगे शो इन फोल्डर, तो आप उस फोल्डर में आपको शो हो जाएगी यहाँ पर इमेज ये पड़ी हुई है ओके। अब ये इमेजेस आपने फॉर्म पर अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल ये वापस हम गए यहाँ पर अपलोड फोटो पर और ये मैं करने लगा हूँ सिलेक्ट इमेज, यहाँ पर क्लिक किया सिलेक्ट इमेज ठीक। तो मेरी फोटो कहाँ पर है पड़ी हुई, इस तरह से ही आप अपने सिग्नेचर सिलेक्ट सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करोगे, सिग्नेचर जो आपने रिसाइज किए हुए हैं उसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन को क्लिक करोगे तो ये सिग्नेचर आपके डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेव एंड नेक्स्ट, आपकी इमेज और सिग्नेचर यहाँ सेव हो जाएंगे और ये डिस्प्ले हो गई है। प्रोसेस पूरी होने के बाद आपके सामने ये नई शीट खुल गई है, उसके बाद नेक्स्ट शीट डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, अपलोड फोटो जो ग्रीन है हो चुका है, ये वाले अभी पेंडिंग है और ये कलर चेंज हो गया है। फिल एकेडमिक डिटेल, फिल एकेडमिक डिटेल में एक रेड कलर की इंस्ट्रक्शन है, वो उन लोगों के लिए है जिनके उनके डीएमसी में ग्रेड शामिल है, तो उन्होंने उनको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये फार्मूला दिया गया है। आपका टोटल ग्रेड कितने ऑब्टेन है ठीक है, और आप अपना डीएमसी की बैक साइड देखना, वहां पर कन्वर्जन फैक्टर होगा, फार्मूला होगा कि आपने अपने ग्रेड को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो फार्मूले को अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया जो भी फार्मूला होगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे और जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं उनको आपने करना है 1000 में कन्वर्ट करना है। तो जो ग्रेड वाले हैं उनको ये काम कन्वर्जन का करना पड़ेगा ठीक, जो बाकी हैं उनके लिए आसान है। सबसे पहले यहाँ पर टिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन व्हाइट डिस्प्ले हो चुकी है, सिलेक्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपने ईयर सिलेक्ट कर लिया, ये हो गई 2014 में मान लीजिए 10th हो गई, रोल नंबर फिल कर दिया, रोल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 जितना भी रोल नंबर है आपका, सिलेक्ट बोर्ड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मैट्रिक ऑलरेडी फिल्ड है। सब्जेक्ट फिल करने क्यों जरूरी है, सब्जेक्ट क्योंकि पंजाबी अगर आपने फिल की है जब पढ़ी हुई है तो यहाँ फिल करनी जरूरी है क्योंकि आपको ऑप्शन फिर पंजाबी ही मिलेगी। जिन्होंने पंजाबी मैट्रिक में नहीं पढ़ी होगी, प्रूफ चाहिए 10th का, लास्ट तक काउंसलिंग जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती कॉलेज तक नहीं पहुंचते ये वेरीफाई होगा, अगर ऐसी गड़बड़ मिलती है तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि आप शॉर्ट में लिख सकते हो, अगर आपको लगता है स्पेस कम है आप लिखते हो पी बी
आई ठीक है कॉमा हिंदी फुल लिख सकते हो, हाफ भी लिख सकते हो ठीक। मैथ्स स्पेस वैसे काफी है, डिजिटल स्पेस है, आप फुल लिख सकते हो। साइंस है, फिर आप एस एस टी मान लीजिए सोशल साइंस आपने लिखना है, फिजिकल एजुकेशन है, जितने सब्जेक्ट है यहाँ आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स, फॉर एग्जांपल मेरे इतने हैं 400 है मान लो, कितने में से टोटल मार्क्स 1000 में से, जितने भी आपके यहाँ आपने डीएमसी से फिल करने हैं, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है, क्योंकि यहाँ 1000 है इसलिए यहाँ लिखे है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 40%, खुद ब खुद परसेंटेज का कैलकुलेट होके आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग उनके लिए है, रिमार्क्स जरूरत नहीं है। इस तरह से आप 10+2 और वाइट डिस्प्ले हो गया। अब मेरे ख्याल में आगे बताने की जरूरत नहीं है, आपने अपने बीएमसी से ईयर देखना है, रोल नंबर केयरफुली देखना है, अपना बोर्ड केयरफुली देखना है ठीक है। तो मैं वैसे यहाँ कुछ भी ऐसे फिल कर देता हूँ, यहाँ क्लिक किया परसेंटेज कैलकुलेट होके आपके सामने आ गई। ऐसे 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन फिल करोगे। इफ योर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर देन एंटर 0 इन टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड कॉलम। ये बहुत क्लियर कर दिया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, थैंक यू। ओके, सबसे पहले ये ग्रेजुएशन मान लीजिए 14, 16, 17, 18, 19 को हो गए, मान लीजिए ग्रेजुएशन हो गई, ये आपकी जो भी कोर्स आपने किया है बीएससी वो आ गया, डिस्प्ले हो गया टोटल। अगर आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो आप 0 फिल करोगे, अदरवाइज जो डीएमसी में है वो मार्क्स फिल करोगे। यहाँ पर मैंने ऐसे ही 0 फिल कर दिया है ठीक। नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन अगर की है ऐसे ही फिल करना है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने गेन की है तो लास्ट पर हम सबमिट से पहले यहाँ एक ब्लॉक बना हुआ है, नंबर है डिस्प्ले हुए, यहाँ पर क्लिक करोगे ब्लॉक में आप वो नंबर फिल कर दीजिए। इनको नजदीक ले आता हूँ, डिस्प्ले इजी हो जाती है ठीक है। इसके बाद मैंने इसको कर दिया सबमिट। अगर कोई आपकी इनकम्प्लीशन है तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे ग्रेजुएशन टोटल मार्क्स नॉन फिल्ड, गो बैक टू प्रीवियस पेज, अब वो पेज खुल जाएगा कि कोई कमी है। देखिए ये कॉलम मैंने फिल नहीं किया था, इट मींस हर कॉलम फिल करना है, 0 हर मार्क कॉलम में फिल करनी है, जो भी आपके डीएमसी है जहां उसके, ये मैं उनके लिए फिल कर रहा हूं जिन्होंने जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। तो ये पूरा होने के बाद यहाँ फिर एक नंबर आया, ये उसको मैंने फिल किया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इट इज कंपल्सरी टू प्रोवाइड मैट्रिक इंफॉर्मेशन। अब आप तसल्ली से ये इंफॉर्मेशन चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, मीन आपने डीएमसी देखने हैं, अपना ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर कहाँ से की हुई है, कौन सा कोर्स है, टोटल मार्क्स ज्यादा जरूरी है, कितने में से मार्क्स है और परसेंटेज कितनी है। तो अगर आपको लगता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है बाय चांस, जहां इंटेंशनली आपके पास टाइम है, तो आप एडिट पर जाएंगे, ग्रीन यहां क्लिक है, तो एडिट पर फिर दोबारा वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी ठीक। तो आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद आप अब आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक है तो ये रेड है लॉक, प्रोसीड टू लॉक योर फॉर्म, ये मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, सॉरी देयर इज एन एरर, मैट्रिक डिटेल नॉट फिल्ड, फॉर्म कांट बी लॉक्ड, क्लिक ऑन एडिट एंड मॉडिफाई। देखिए डिटेल आ रही है कि आपने मैट्रिक डिटेल्स फिल नहीं की ठीक है, फिर मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और मैट्रिकुलेशन की जो है सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने क्या किया कि मैट्रिक को हटा के 10th किया है और पंजाबी हिंदी इंग्लिश मैथ्स, मैथ्स का ये कॉमा हटा दिया, मैथ्स हो गया ठीक है। उसके बाद ये साइंस आ गया, एसएसटी आ गया, यहाँ डॉट लगा दिया और मैंने ये फिल कर दिया। आप देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, 50807 ओके। अब मैंने कर दिया सबमिट, ग्रीन को क्लिक, तो काइंडली वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। हब क्या है कि
पता नहीं ये गड़बड़ क्यों हो रही थी, तो मैट्रिक में यहाँ डिस्प्ले हो रही है, तो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी है। बात वही है कि यहाँ पर पंजाबी की इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, तो ये पूरी डिटेल फिल हो गई है, मैंने इससे वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद अब मैं आगे चल रहा हूँ, एडिट करने की मुझे नहीं जरूरत। अगर आपको लगता है कि आप थके हुए हैं तो अपने ब्रदर सिस्टर से चेक करवा लीजिए, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाती है तो सीट आपकी जा सकती है, एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो ये मैंने क्लिक किया, सबमिट कर दिया, सॉरी लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आपके फिल बेसिक डिटेल्स, अब ये कॉलम आ गया, हमने फोटो अपलोड की थी, फिल एकेडमिक डिटेल, अब फिल बेसिक डिटेल, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना फुल एड्रेस जहां पर आपका लेटर पहुंच सके। कई बार आप गांव में रहते हैं तो नेचुरली नियर बाय कोई आपकी खास स्पेसिफिक नेम होता है या एसोसिएटेड नेम होता है, यहाँ पर आपका लेटर पहुंच सके, तो फुल डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। उसके अलावा स्टेट जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, पंजाब है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ मैंने जलंधर फिल कर दिया। पिन कोड आपका ये फैसिलिटेट करता है, पिन कोड इस पर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहले दो इनका इनका क्या मिले होता है। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब? यस, मेरे पास है डोमिसाइल पर आके सेव एड्रेस हाउस नंबर जीटीपी नगर जलंधर। यस, मैंने ये सेव कर लिया है, उन्होंने पूछा है कि सेव कर दे, इसको सेव कर दिया है। उसके बाद मेरे पास डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपके पास 5 साल से पहले का सर्टिफिकेट है जहां कन्वर्ट हो गई, आपको पता है कि आप 5 साल से ज्यादा से यहाँ रह रहे हो पंजाब में, तो नेचुरली है आपका वो सर्टिफिकेट बन जाएगा, ये आपको पता है इन्फॉर्मेशन। सिलेक्ट योर कैटेगरी, कैटेगरी यू बिलोंग टू, कैटेगरी मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, वट एवर, क्योंकि रिजर्वेशन का इससे संबंध होगा। जनरल कैटेगरी ये मैंने फिल कर दी है। नेक्स्ट, प्लीज नोट द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बोथ 10th एंड 12th, बोथ लिखा हुआ है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर कर दिया है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये जो दोनों एग्जामिनेशन आपने कहां से, रूरल एरिया से, 10th भी और 12th भी दोनों, आपका स्कूल अगर सिचुएटेड था रूरल एरिया में, वो सर्टिफाई कौन करेगा? आपके स्कूल के हेड और आपकी लोकल अथॉरिटी या तहसीलदार, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है साइंड बाय कंसर्न्ड सरपंच ऑफ द विलेज और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। ठीक है, अगर आपको ये पहले ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी 10th भी और 12th भी दोनों ही रूरल एरिया से है। वो पता करने के लिए आप स्कूल के हेड से भी पूछ सकते हैं, क्या हमारा ये स्कूल जहां लोकेशन है वो रूरल एरिया में ही है। कई बार आपको लगता है कि ये फील्ड में खेतों में है तो ये रूरल ही गिना जाएगा, नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रूरल एरिया में अगर गिना जाता है तो उस स्कूल के हेड को ये क्लियर होगा। वहां से पहले आप पूछ लीजिए, और ये भी पूछ लीजिए कि आप सर्टिफाई कर दोगे, गांव का सरपंच या डीईओ इसको सर्टिफाई कर देगा। ये बेहतर है कि दिन काफी हैं, पहले आप ये सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि 1% वेटेज इनको मिलनी है, 1% मार्क्स जिन्होंने 10th और 12th रूरल एरिया से पास की है, वो जितनी भी मेरिट आपको मिलेगी प्लस 1% उसके हो जाएंगे। तो दैट इज वाई, अगर आपका बाद में सर्टिफिकेट नहीं बनता तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी सीट कैंसिल तक हो सकती है, क्योंकि जहां आपको यूनिवर्सिटी के दोबारा जो कंट्रोलर हैं उनके चक्कर लगाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन ऐसे केसेस का लेती है वो होगा। हर बार इतने केसेस ऐसे होते हैं कि रूरल एरिया फिल कर देते हैं क्योंकि 1% मार्क्स लेना चाहते हैं लेकिन बाद में सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है यू पास 10th और ओके, तो मैंने यहाँ पर नो फिल कर दिया है कि मैंने नहीं। हैव यू डन ग्रेजुएशन विद ऑनर्स इन एनी लैंग्वेज? ये प्रॉब्लम वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंग्लिश सॉरी लैंग्वेज में आपने ऑनर की है, मान लीजिए इंग्लिश में की है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश बन गया है ना, मेजर सब्जेक्ट, तो मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश बन गया, अब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, ये प्रॉब्लम आएगी।
बहुत से केसेस में दूसरा सब्जेक्ट भी जहां आपको मोस्टली पंजाबी बनता है, जनरल पंजाबी अगर आपने पढ़ी हुई है, अगर हिंदी है तो हिंदी बन जाएगा। तो इन केसेस में लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम होती है जिन्होंने ग्रेजुएशन विद ऑनर्स लैंग्वेज की हुई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसके बहुत से कम कॉलेजेस हैं पंजाब में जो लैंग्वेज लैंग्वेज या ऑनर वाले सीट्स रखते हैं। तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको पहले से वो कॉलेज आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, या सीट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करती है, जब मैं वीडियो भी बना लूंगा तो वो कॉलेज आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, क्योंकि आप नजदीक कॉलेज ढूंढोगे या अपनी फैसिलिटीज जो आपको चाहिए वो कॉलेज प्रोवाइड करता है वो कॉलेज ढूंढोगे, तो वो कॉलेज बहुत कम होते हैं जो यहाँ पर ये ऑनर वाली सीट्स होती हैं। सो केयरफुली, जैसे मेरा नो था मैंने यहाँ पर नो फिल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन ऑर्डर टू पुट प्रेफरेंस। जैसे पिछले वीडियो में बताया कि तीन प्रेफरेंस पूछी जाएंगी, आप एरो पर क्लिक कीजिए, मैंने यहाँ जलंधर फिल कर दिया, एरो पर क्लिक कीजिए, अपनी ऑप्शन देखिए, मुझे कपूरथला लग रहा था, कपूरथला फिल कर दिया, तीसरा मुझे सबसे नजदीक लग रहा था। आप अपने मुताबिक, मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार है, दूसरी आप प्रेफरेंस वहां भरना चाहते हो, ये आपका पर्सनल मैटर है, वो फिल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव होने के बाद ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि दो तरह के प्रोग्राम है, नोट बीएड कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड द फॉलोइंग टू प्रोग्राम्स, एक रेगुलर प्रोग्राम है, एक स्पेशल प्रोग्राम है। रेगुलर प्रोग्राम जिसकी लगभग 200 कॉलेज हैं, बहुत सी सीट्स होती है, नॉर्मली हम वो करते हैं, लेकिन स्पेशल बीएड कौन सी है, जैसे बीजेएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना में 30 सीट्स है, किन बच्चों को टीच करने के लिए आप टीचर बनना चाहते हो, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं ईशान तारे जमीन पर, उसे वैसे बच्चों को टीच करना चाहते हो। मैंने बताया है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में ऐसे टीचर्स अपॉइंट करने की प्रोविजन रखी है, नेचुरली है, अभी तो 30 सीट है, 25 सीट है, ऐसी सीट धीरे धीरे बढ़ भी सकती है, क्योंकि ऐसे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में इन टीचर को अपॉइंट किया जाएगा, तो इनकी वैल्यू है, आप सोच सकते हो। दूसरा, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे, कई नाम है उनके, 25 सीट्स हैं नवजीवनी इंस्टीट्यूट सुलार में, ये स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है, दूसरा रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम है। ये आपने डिसाइड करना है कि आप एंट्रेंस टेस्ट किसके लिए, दोनों के लिए देना चाहते हो, तो फीस आपकी डबल हो जाएगी। अगर एक देना चाहते हो तो फीस सेम रहेगी, बाकी फीस कैसे है, नॉन रिफंडेबल है, ये पहले भी बता चुके हैं। और साथ में आपकी कैटेगरी के मुताबिक, जनरल कैटेगरी की एक को बी एड प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए फीस और काउंसलिंग फीस 2400 है, और अगर एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो हाफ हो जाएगी, 1200 सीट हो जाएगी। अगर आप दोनों को फिल करना चाहते हो तो कैटेगरी के मुताबिक वो आपकी डबल हो जाएगी, जनरल कैटेगरी है तो 4800 हो जाएगी, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं तो 2400 हो जाएगी, ठीक। तो ये डिपेंड आपकी कैटेगरी और चॉइस, कितने प्रोग्राम के लिए आपने ये टेस्ट देना है वो होगा। तो इसमें दोनों फीस शामिल है, एंट्रेंस टेस्ट की फीस और काउंसलिंग फीस, ठीक है। बाद में आप किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते कि मैंने सिंगल फिल किया था, मैं दोनों के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ, ऐसी प्रोविजन नहीं दी गई। नेक्स्ट है कि मैंने चूज करना है, इन्फॉर्मेशन को बता दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ चूज किया है कि मैं रेगुलर बी एड प्रोग्राम के लिए सिर्फ ये फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो फिल करोगे आपकी फीस डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीछे जनरल कैटेगरी फिल की है, यहाँ रेगुलर एक कोर्स किया है, तो यहाँ 2400 इतने रुपीज मुझको जमा करवाने होंगे। अगर मैं बोर्ड करता हूँ, देखिए बोर्ड करने पर ये डबल हो गई फीस, ठीक है। यहाँ वेरी इजी है, आप जो करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी फीस आ गई। नेक्स्ट, फीस कैसे पे, फीस थ्रू ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वो आपने पहले से इंतजाम करना कर रखना है। तो ये मैंने क्लिक किया है कि मोड कौन सा होगा, यस, पेमेंट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, रजिस्ट्रार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और ये आपका नंबर है, ऑर्डर डिटेल है, यहाँ पर कितनी फीस होनी है
वो डिस्प्ले हो चुकी है, और मोड आपके पास जो भी मोड है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आप कार्ड नंबर यहाँ फिल करोगे, ठीक है, एक्सपायरी डेट उसकी फिल करोगे, ईयर फिल करोगे कि एक्सपायरी डेट क्या है। सीवीवी नंबर होता है, ये नंबर क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन और वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये नॉर्मली 3 डिजिट का या कई बार 4 डिजिट का कोड होता है, ये आपके कार्ड की बैक साइड पर प्रिंट होता है। नॉर्मली ये आपकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए होता है, वो आपने यहाँ फिल करना होता है। यहाँ देख सकते हो ये कार्ड की लास्ट 3 डिजिट है बैक साइड पर, जैसे यहाँ है 013 है ना, योर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सीवीवी। वापस चलते हैं, तो सीवीवी यहाँ फिल कर दिया जाएगा कार्ड अपने को देखकर, और आप फिर उसके बाद पेमेंट अगर करना चाहते हो तो क्लिक कर दोगे। आपको जो पॉलिसी है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड से नहीं करना चाहते तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो। ऐसे ही डेबिट कार्ड का आपका जो सा भी है वो नंबर फिल करोगे, मंथ, एक्सपायरी डेट, ईयर और सीवीवी है ना। और नेट बैंकिंग के जरिए है, आप नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऑल अदर बैंक, यूपीआई, हाँ पेटीएम से करना चाहते हो आपको इजी लगता है, कोई भी मोड इनमें से आप चूज करना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो। पे लेटर से कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है, 1 मंथ का 56 है, जैसे 2 मंथ का इंटरेस्ट है वो भी 56 है, ठीक, तो 90 डेज का भी 56 है। मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप, मोबाइल नंबर वो हो जो आपके बैंक से रजिस्टर्ड है, बैंक आपकी में रजिस्टर्ड है, और ये मोबाइल नंबर विदाउट डैशेज एंड स्पेस रेगुलर फॉर्म में आपने फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपनी जो पेमेंट है इन मोड से कर सकते हो। तो ये 6th स्टेप था जिसमें आपने एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद आपको सुजेस्ट किया जाता है कि आप प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का विद यूनिक एप्लीकेशन आईडी आपको मिलेगी, उसका प्रिंट जो है आपने लेके रखना है। तो वो भी बहुत इजी है, जैसे यहाँ पर आप मेन पेज पर आ जाते हो तो इसको क्लिक करते हो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये फाइनल फॉर्म आपका डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर आपकी स्पेशल रजिस्ट्रेशन डिटेल नंबर आपको मिल गया है, आईडी में एप्लीकेशन आईडी मिल गई है, तो पूरा फॉर्म आप फिर चेक कर सकते हो। पूरा फॉर्म चेक करने के बाद तो आप यहाँ प्रिंट की ऑप्शन है तो अपना प्रिंट ले सकते हो। ये रहा प्रिंट की ऑप्शन, प्रिंट लेके आपका ये जो जो प्रोसीजर है 7 स्टेप्स है आपके पूरे हो चुके हैं। अगर आपको इसके फिलिंग रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है बीएड कॉलेजेस में टीच करने का। बीएड के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, बीएड से पहले गाइडेंस चाहिए, इसमें गाइडेंस चाहिए, तो ऑलवेज अवेलेबल हो थ्रू लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।